ठीक है, सारे लोग क्या करेंगे, कमांड के थ्रू है ना अपलोड करने का, है ना, उसमें कमांड टाइप करनी पड़ती थी। अब एक तरीका सिखा रहा हूँ वीएस कोड के थ्रू, ठीक है, इसमें आपको कोडिंग करने टाइप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलो आ जाओ, कोड फोल्डर दिखाओ अपना। अब तुम्हें कौन सा फोल्डर अपना गिटहब पे पहुंचाना है रोहित, कोई नया बताओ, नया कोई नया फोल्डर बताओ जो गिटहब पे अपलोड कराना हो। हाँ, जो गिटहब पे अपलोड ना हुआ हो, जो गिटहब पे अपलोड ना हुआ हो बताना। बूटस्ट्रैप वाला गिटहब अपलोड हो गया? माइक तो ऑन करो। नहीं, जो फोल्डर नहीं, जो अपलोड करना है वो फोल्डर चाहिए। हाँ, जो गिटहब पे, हाँ, जो अपलोड ना किया हो। बूटस्ट्रैप बाद में अपलोड कहाँ किया है? किया है ये वाला फोल्डर। अरे हॉस्पिटल ही अपलोड कर लो। ये फर्स्ट पेडल को ऊपर अपलोड कर, अब एक काम करो, पहले इस फर्स्ट पेडल को बी एस ओपन करो, वीएस कोड पे फर्स्ट पेडल वाले फोल्डर को बीएस कोड ओपन कर लो। बाकी सब लोग क्या करें, अपना फर्स्ट पेडल आप लोग अपना वीएस कोड पे ओपन कर लो। अभी फर्स्ट पेडल तो पहुंचाया नहीं होगा किसी ने, है ना, तो अकेला फर्स्ट पेडल वाला फोल्डर उसको वीएस कोड पे ओपन कर लो। फर्स्ट पेडल वाला करना है, कोई तो खोल रहे है। अरे वीएस कोड पे फर्स्ट पेडल वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लो। अभी तुमने तो ओपन किया था ना फर्स्ट पेडल, तो खुद ही कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। अरे अभी तो मैं देखा था फर्स्ट पेडल वाला। जो फोल्डर आपको गिटहब पे अपलोड करना है वो फोल्डर आप वीएस कोड पे ओपन कर लो सारे लोग। कर लिया? हेलो, कोड पे आओ, वीएस कोड। अब देखो वीएस कोड से कितना काम आसान हो जाता है। सब देखो यहाँ पे ये फाइल ऐसा बंद कर दो, जैसे मांगे चलो उसको ये वाला फोल्डर पहुँचाना है, तो आपको जौन सा फोल्डर पहुँचाना है वो फोल्डर आपको वीएस कोड को ओपन करना है, क्योंकि हम लोग काम वीएस कोड पे करते हैं डेली, ठीक है। तो मैंने देखो ये वीएस कोड को ओपन कर लिया। अब देखो वीएस कोड से गिटहब पे कैसे अपलोड होगा बिना कुछ कमांड चलाए। तो दिख रहा है, वो दिख रहा है प्ले बटन, दिख रहा है सर्च बटन, दिख रहा है सर्च आएगा लेफ्ट में, लेफ्ट में फाइल, हाँ सर्च के नीचे वाला आइकन, हाँ ये वाला आइकन देखो, जैसे लिखा है ना सोर्स कंट्रोलर, सब लोग ये आइकन दिख रहा है सब लोगों को, थर्ड वाला, इस पे क्लिक करना है। करें सब लोग, क्लिक क्लिक करो, सब लोग साथ में करो। कर लिया? बोले जल्दी बोले। अब देखो नीचे लिख के आ रहा होगा पब्लिक टू गिटहब, सबके में लिखा आ रहा होगा पब्लिक टू गिटहब, इस पर क्लिक कर दो। अब देखो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पे क्या लिख के आ रहा है अलाउ, तो आप इसको अलाउ कर दो। अब वन टाइम के लिए वेरिफिकेशन होगा वीएस कोड से। क्या होगा, तुम्हारा ये गिटहब है ना वो वीएस कोड से कनेक्ट हो जाएगा,
ठीक है ना। तो ग्रीन वाले पे क्लिक करो, क्लिक करो, हाँ पासवर्ड डालो अपना। पासवर्ड डालो जो तुमने बनाया था गिटअप पे, गिटअप पे जो बनाया था ना पासवर्ड आपने, वो पासवर्ड उसमें डाल दो। अरे गिटअप गिटअप पर पासवर्ड याद नहीं है? तो फिर किसका है ये? अरे वो तो उसी को ले रहा है ना जो आपका जीमेल लॉगिन है। हाँ तो इस जो जी इसी से ले रहा है वो गिटअप, इस पे तुम्हारा है, इसका तुम्हें पासवर्ड नहीं पता? तुम्हारा गिटअप अकाउंट किससे बना हुआ पहले ये बताओ, सिंपल। इससे नहीं बना, इस ईमेल से? अरे मेरा तो क्वेश्चन ये है, इस ईमेल से गिटअप बना कि नहीं बना है, वो दिखा रहा है, तो इसका पासवर्ड याद है? कहाँ पर ऑटोमेटिक आया था इसके में, कहाँ आ रहा है ऑटोमेटिक? जी ट्रैक जी लग जाए इसमें, ठीक है। अब इस पर क्लिक करना है, देखो ऑलवेज दिखा है, ऑलवेज अलाउ वीएस कोड, तो क्लिक कर दो, ओपन ओपन वीओ कर लो, वीएस स्टूडियो, हाँ वीएस स्टूडियो कर दो, ओपन कर दो उसको, वेट करो। अब बगल वाले पे आ रहा, वीएस कोड पा रहा, वीएस कोड पाना, वीएस कोड पे सर, वीएस कोड रिडायरेक्ट नहीं किया, फिर से पब्लिक टू गिटअप करना। हाँ मैं कुछ पंगा कर रहा है, अलाउ एक्सेस करो, हाँ वो तुम्हारा वो पासवर्ड सही है नहीं हो, बाकी लोग करके देखें, बाकी लोग दूसरा जी में लॉगिन करना पड़ेगा तुम्हें उस पे से। एक कोई नया फोल्डर ओपन कर लो वीएस कोड पे जो आपको गिटअप पे पहुंचाना हो, गिटअप से बहुत सिंपल होता है पहुंचाना, हाँ कोई भी ले लो जो तुम्हें पहुंचाना हो गिटअप पे। अब सब देखो ये फोल्डर है, अब क्या करना है, देखो फोल्डर दिखा रहे हो, फोल्डर दिखा दो, इसके अंदर एक एक फाइल बना लो, फाइल भी कोई एक फाइल बना लो, फाइल एस टी में नाम से, अरे वही वही उसी पर नीचे ना, नीचे बन जाती है, फाइल पे क्लिक करके कैंसिल करो, हाँ बनाओ फाइल एक, इसी के नालो फाइल एक बन गई, इसमें एस्टीमेट टाइप कर लो कुछ भी, अरे सिंपल डॉट एस्टीमेट नाम सुना लेते फाइल, डॉट एस्टीमेट कर लो, कुछ सिंटेक्स एक दो एस्टीमेट का, ऐसे लिखते हैं, बंद बंद दबा के, शिफ्ट दबा के बंद दबा दो बस, ठीक है चलो सेव कर लो फाइल को। अब देखो मांगे चलो ये फोल्डर, इसको सेव कर लेना, ये फोल्डर इसको गिटअप पे पहुंचाना है, तो कुछ नहीं करना होता है इसमें, लाइन नंबर 3 पे आ जाओ, उस पर क्लिक करो, क्लिक करो, नीचे आ रहा है पब्लिक टू गिटअप, सब देखो इस पर क्लिक करना होता है, वन टाइम वेरिफिकेशन मांगता है, फिर वेरिफिकेशन नहीं मांगता, उसके बाद क्लिक कर देना इस पर, हाँ फिर नहीं आएगा, देखो 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट को एक बार वेरिफिकेशन होता है, फिर क्या करना होता है, पूछता है कि आपको ये ऊपर देखो दिखा रहा है कि पब्लिक करना है प्राइवेट करना है, सब देख लो, वन टाइम वेरिफिकेशन आएगा इसके बाद ही, फिर वेरिफिकेशन नहीं मांगता वो, फिर पूछता है कि पब्लिक है प्राइवेट, पब्लिक पे क्लिक कर दो, पब्लिक पब्लिक पे, हाँ ओके कर दो, ओके कर दो सारे, ओके कर दो सेलेक्ट करके, ओके हाँ बस। अब देखो नीचे देखो सब राइट साइड में ये अपलोड हो रहा है गिटअप पे, यहाँ पे तुम्हें कोई कमांड नहीं चलानी, कुछ भी कमांड नहीं चलानी होती यहाँ से,
तो दोनों तरीके सिखा दी श्रीमन है सर, वीडियो ब्राउजर करना। ईमेल पास डाल दो, उस पे ग्रीन पे क्लिक कर दो, ग्रीन पे अब उस पे आ जाओ, वीएस कोड पे आ जाओ। अब देखो सब देखो ये अपलोड हो गया, अब इसको उस पे क्लिक कर देना, ओपन ऑन गिटहब पे क्लिक करो, इस पे क्लिक कर दो, देखो गिटहब पे अपलोड हो जाएगा। सो रिफ्रेश करना, सब देखो ये आ गए यहाँ पे, सब देख लो गिटहब पे अपलोड हो गया। कितना इजी है वीएस कोड से अपलोड करना सारे लोग, कितना इजी है देख लो यहाँ पे, सब लोग देख सकते हो। अब जैसे मान के चलो सब लोग, अब मान के चलो इसने इस फाइल में कुछ और काम किया है, आ जाओ अब इस वीएस कोड पर एक तो फाइल बनाओ। अब मान के चलो इस फाइल के अंदर जो और भी कुछ काम करना चाह रहा है तो एक फाइल बना लो किसी नाम से, उसमें कुछ काम कर लो। अब किसी ने पूछा था ना कि सर मैं डेली काम करूं, डेली अपलोड करता रहूं, तो वो कैसे होगा? तो देखो अब ये जिवाली इसका ये फोल्डर है, ये फोल्डर से गिटहब पे अपलोड हो गया है, ठीक है। अब इसमें ये डेली काम कर रहा है, ठीक है। अब इसी दिन भर में काम किया, सेव कर लिया फाइल, पहले वाली फाइल में भी चेंजेस कर लो, पहले वाली फाइल में कुछ चेंजेस कर लो। अब देखो सेव कर लो उसको भी, कर दिया सबने। अब देखो बोल, अब उसी चलो लाइन नंबर 3 में चलो। अब देखो लाइन नंबर 3 में दिखा रहा है 2, सब देखो 2 दिखा रहा है कि आपने 2 चेंजेस किए, बता रहा है वो। अब देखो अब क्या करना होता, कमिट करना होता, कमिट सिखाया था गेट गिटहब में, जब गिटहब से अपलोड करना सिखाया था कि कमिट का क्या रोल होता है। तो अब इसमें मैसेज टाइप कर दो तुमने जो काम किया हो, तो लिखा ना मैसेज, तो मैसेज पर मैसेज ऊपर ऊपर कमेंट कमिट के ऊपर मैसेज आ रहा है, इनपुट का साइन आ रहा, इसी में कुछ टाइप कर दो। हाँ जो भी कुछ काम किया वो लिखना होता है कि हमने ये काम किया इसके अंदर, ठीक है। हाँ हाँ कमेंट कर दो, यस कर दो, यस पे क्लिक कर दो बस, और सिंक चेंज कर दो उसको, ओके कर दो, और गिटहब पे जाके देखो पहुंच गया होगा जो तुमने काम किया अभी, जस्ट पूरा फोल्डर नहीं जाता, रिफ्रेश करो उसको। आगे देखो अभी लिखा है ना अभी, और जो कमेंट था कमेंट लिख के आया, समझ आया कितना इजी है, मतलब वीएस कोड से कितना आसान हो गया। कोई फोल्डर अपलोड करना है, उस फोल्डर को क्या करोगे, वीएस कोड को ओपन करोगे सिंपल, और फिर वही 3 पे क्लिक करोगे, पब्लिक टू गिटहब करोगे, और गिटहब करने के बाद वो अपना अपलोड कर देगा, आपसे पब्लिक की पूछ पब्लिक कर देना, अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक।
और गिटहब पे जाके चेक कर लो, और फिर जब तुम्हारा दोबारा उसमें कुछ चेंजेस करके अपलोड करने हो तो फिर उस पर क्लिक करो, कमेंट कर दो। कितना सिंपल है।